नमस्ते, हेलो, हाय एंड वेलकम टू थिएटर कंसल्टेशन सर्विस। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, आप लोगों का जैसे मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो रहते हैं, करंट फीलिंग ऑफ योर पर्सन, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में इसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये मेरा एक्चुअली आज रीडिंग होगा। आज की इनके दिमाग में क्या है, क्या चल रहा है आज इनके दिमाग में, आपको लेके चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं रीडिंग से पहले सर्विसेज के बारे में ऑलवेज बोल देती हूँ, अगर पर्सनल टैरो रीडिंग चाहिए, अगर ट्विन फ्लेम हीलिंग, ट्विन फ्लेम कोचिंग चाहिए, अगर रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप, जो भी रिलेशनशिप हीलिंग, हेल्थ, एजुकेशन, करियर, कोई भी आपको हीलिंग चाहिए, डिस्टेंस रेकी हीलिंग, अगर PLR करवाना है, अगर आपको प्योर एनर्जाइज क्रिस्टल चाहिए, जो प्योर क्रिस्टल आपके प्रॉब्लम आपके नाम पे डेट ऑफ बर्थ वाइज प्रॉपरली एनर्जाइज करके आपको दिया जाएगा, कोई भी आज इसके अंदर सर्विसेज चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 9087282880, उसमें व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है। चलिए, अच्छा, ईयरली प्रेडिक्शन, ये भी रिक्वेस्ट, बहुत रिक्वेस्ट था कि मैम ईयरली प्रेडिक्शन को लेके आइए, तो अगर ईयरली प्रेडिक्शन करवाना है तो बिल्कुल मेरे साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, वही नंबर 9087282880, उसमें क्या करना है, व्हाट्सअप करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग, एंड उससे पहले, रीडिंग से पहले दो बातें, हाँ, एक चीज, मैं जितना भी जिंदगी की मतलब आज से नहीं, बचपन से ही नोटिस की हूँ, हो सकता है आज इस चीज की मुझे एहसास आया है। देखिए, हम लोग ऑलवेज फ्यूचर प्लान क्यों करते हैं मालूम है, हम लोगों के अंदर ऑलवेज फ्यूचर प्लान क्यों होता है, फ्यूचर प्लान की एक कारण ये होता है जो प्रेजेंट में मैं सक्सेसफुल नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, प्रेजेंट पे मुझे कुछ चाहिए मगर सक्सेसफुली मुझसे नहीं हो रहा है, तभी हम लोग क्या करते हैं उसको फ्यूचर में बदल देते हैं, फ्यूचर प्लान करते हैं। बट एक चीज याद रखना, हर चीज मैं फ्यूचर 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 करूंगी या करूंगा, हु नोज मेरी फ्यूचर क्या है, मैं जीऊंगी कि नहीं, मैं जीऊंगा कि नहीं, जिंदगी का जो असली मतलब है हर सांसों में है, हर सांसों में आपकी जिंदगी है, एक जिंदगी जिंदगी जिंदगी, हर सांस, कभी सांस बंद हो जाए हम जानते नहीं है। तो ऐसा, आज मैं दुखी हूँ, आज मैं उनके लिए रो रही हूँ, कब उनसे मिलेंगे, कब बातें होगा, इसके लिए अगर बैठ के दुखी होते रहेंगे तो आपका जिंदगी कब खत्म होने वाला है आपको मालूम नहीं। एवरी मोमेंट जिए, एंड वो जो जीना होगा वो खुद के लिए जीना होगा, एवरी मोमेंट जो जीना होगा वो खुद के लिए जीना होगा। मेरे पास जो हीलिंग लेने के लिए भी आते हैं, मैं बार बार बोलती हूँ, हीलिंग के साथ मैं हीलिंग ऐसा नहीं छोड़ती, काउंसिलिंग करवाती हूँ, मैं बार बार एक ही चीज समझाती हूँ, ये जिंदगी आपका है, ये हीलिंग पहले आपका कारण जो भी होगा, आपका रिलेशनशिप, आपकी पर्सन आएगा, वो जो भी होगा वो तो होगा ही, उससे पहले आपका जो नजर होगा, आपका जो गोल होगा, बिल्कुल आपने आपको खुश करना, आपने आपको शांति में रखना, क्योंकि आपकी सोल का नेचर ही है हैप्पीनेस, सचिदानंद, सदा चित्त आनंद, दैट इज योर सोल का नेचर है। आप वो नेचर के अगेंस्ट में जाके दुखी होते हो, रोते हो, ऑलवेज कर्मा क्रिएट करते हो, कर्मा तो क्रिएट करते ही है, उससे भी आप तकलीफ में रहते हो। तो एवरी मोमेंट बहुत खुश होकर जीने की कोशिश कीजिए, आपको मालूम ही नहीं, आपको सबको ये चीज जो मैं बोल रही हूँ, सबको ये नॉलेज है मगर विजडम नहीं है, उसको रियलाइजेशन नहीं है, मालूम तो है, ये तो है ही, मगर फिर भी आप कल की प्लान करोगे, आज का छोड़ दोगे, ठीक है आज तो मैंने ऐसा कुछ खा लू, कल देखेंगे, कल सुबह नींद टूटे तो कल, नींद नहीं टूटे तो परकल, याद रखना, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज की करंट फीलिंग आपकी पर्सन की आपकी तरफ, चलिए स्टार्ट करते हैं।
पहले एनर्जी ओरेकल से देखते हैं एंड आफ्टर दैट हम लोग टैरो कार्ड से उसको क्लैरिफाई करते हैं। आपके पर्सन की करंट फीलिंग टुवर्ड्स यू, क्या चल रहा है आपके पर्सन की दिल और दिमाग में, प्लीज डिवाइन हेल्प करिए। आपके पर्सन, मेरे व्यूअर्स की जो पर्सन है उनकी आज की, इनके दिमाग में क्या चल रहा है आज पूरा दिन, ये क्या सोच रहा है आपके बारे में। चलिए फर्स्ट कार्ड, गॉडेस ऑफ द मून, फर्स्ट कार्ड 52 नंबर, 5+2=7, गॉडेस ऑफ द मून, क्या सोच रहे हो आपके बारे में। डोंट टू वैल्यू 31 नंबर, 3+1=4, केतु और राहु पास पास नंबर, 7 नंबर 4, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या सोच रहे हैं वो आज के डेट पे पूरा दिन आपके लिए। द वर्ल्ड कैरिंग कनेक्शन, द थिंकिंग मैन नंबर 14, द वर्ल्ड 29 नंबर, 9+2=11, 1+1=2, कैरिंग कनेक्शन नंबर 14, 4+1=5, एंड द थिंकिंग मैन नंबर 46, 4+6=10, नंबर 1। सो यहां पे मुझे 1, 2, 4, 5, 7 ये नंबर दिख रहा है। देखते हैं ये एज पर एनर्जी ओरेकल, मैं अब उसको क्लैरिफाई कर देती हूँ एंड उसके बाद टैरो कार्ड इसको कैसे क्लैरिफाई करता है वो देखते हैं, ठीक है। आपकी पर्सन आज आपके बारे में क्या सोच रहा है, देखिए वो कहीं ना कहीं एक हीलिंग अंदर चल रहा है, इनके अंदर कोई हीलिंग हो रहा है। हो सकता है आपके साथ कुछ प्रॉब्लम था या कुछ जिस जगह से वो चाह रहा है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपके पास आना। डोंट टू वैल्यू, वो आपको वैल्यू करना चाह रहा है, मतलब वैल्यू उनको समझ में आ रहा है। हो सकता है वो इतना वैल्यू नहीं किए थे, हो सकता है ग्रांटेड लिए थे, हो सकता है सोचते थे ठीक है हो जाएगा वो तो पीछे ही है, इस टाइप की एनर्जी था। कहीं ना कहीं उस जगह से वैल्यू उनको पता चल रहा है। एंड द वर्ल्ड कार्ड, हाँ यू आर द वर्ल्ड, एक्चुअली वो कहीं ना कहीं फील कर रहा है कि जिंदगी में शांति जो है वो आपके साथ है, ठीक है। कैरिंग कनेक्शन, वो एक कैरिंग कनेक्शन फील कर रहे हैं इस मोमेंट पे एंड बहुत डीपली आपके बारे में सोच रहा है। आज की एनर्जी में मुझे दिख रहा है बहुत डीपली आपके बारे में सोच रहा है, एक कैरिंग कनेक्शन फील कर रहा है वो। आप इनकी अभी दिमाग में आप ही हो पूरा वर्ल्ड, आप इनकी 24x7, आज 7 नहीं बोलूंगी 24 आवर्स, आप ही इनके दिमाग में हो। कहीं ना कहीं उनको वैल्यू फील हो रहा है एंड कहीं ना कहीं आप जैसे उनके लिए एक चंद्रमा से निकालता हुआ एंजल वाला एक एनर्जी उनको दिख रहा है ना। जब प्यार में इंसान उस दिन एक्साइटेड होता है तो होता है ना हर चीज में, आज पूरा दिन आज तो कुछ इल्यूशन एंड ऑल बहुत सारा सारा चीज के अंदर से हो जा रहा है। अभी देखते हो टैरो कार्ड से क्लैरिफाई करके गॉडेस ऑफ द मून क्यों आया है, नंबर 52 गॉडेस ऑफ द मून क्यों आया है। फोर ऑफ सॉर्ड्स, हो सकता है इसमें बहुत लोग हैं जहां पे कुछ दिन बातचीत नहीं हुआ था, बहुत ज्यादा टेंशन में थे, उस जगह से एक बातचीत का, हो सकता है बहुत लोगों का बातचीत हुआ है, बहुत लोगों का बातचीत का एक मतलब वो सोच रहा है, तो उनको कहीं ना कहीं से वो जो एक एनर्जी है एक ब्रेकअप वाला, कुछ दिन बात नहीं करने वाला या ऐसा कुछ एनर्जी इनके दिमाग में है, वहां से वो एक इल्यूशन में जा रहा है, वो बहुत तकलीफ हो रहा है उनको ये बात नहीं करना। आज मुझे लग रहा है आज का जो एनर्जी मुझे दिख रहा है उसमें काफी उनको बात नहीं करना, उनको जैसे चुभ रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, बर्डन फीलिंग हो रहा है, ये जो बात नहीं करना है नॉल, इसको एक ब्रेकअप सिचुएशन, इनको बहुत बर्डन फीलिंग हो रहा है, सिचुएशन में भी इनकी जिंदगी में बर्डन दिख रहा है हर तरफ से। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो ही सकता है, काफी फोकस्ड है आपके लिए, काफी फोकस्ड है, साथ ही साथ ऐसा कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो रहा है, हो सकता है जो इनकी जिंदगी को और भी नरक बना रहा है। क्योंकि ये नरक बना रहा है तभी वो आपकी एक्चुअली वैल्यू कर रहा है, वो आपको एक इल्यूशन की जगह से दिख रहा है, ठीक है। ये एनर्जी दिख रहा है बहुत लोगों के लिए, ये एनर्जी ओवरऑल दिख रहा है, ठीक है। डोंट टू वैल्यू, क्यों डोंट टू वैल्यू का कार्ड आया है प्लीज डिफाइन, डोंट टू वैल्यू का कार्ड क्यों आया है। फुल एनर्जी, इतना दिन एक फुल एनर्जी में था, प्यार था, इतना कोई
सीरियसनेस नहीं था उस जगह से, उनका वैल्यू समझ में आ रहा है। आप उनके लिए क्वीन जैसे हो, पहले भी थे अभी भी हो। आज के फुल डे उनके लिए, मैंने बोला ना, कभी गॉडेस सोच रहा है कभी क्वीन सोच रहा है, आपके लिए काफी अट्रैक्शन एंड प्यार एंड इल्यूशन फील कर रहा है आज पूरा दिन, ठीक है। मिसिंग फीलिंग इनकी हो सकते हैं, जिंदगी में काफी अप्स एंड डाउन्स है, मॉनिटरी सिचुएशन का थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है बहुत लोगों के लिए, या हेल्थ या फैमिली प्रॉब्लम, कुछ भी चल रहा है, जिस जगह से वो कहीं ना कहीं से एक बहुत ज्यादा मिसिंग फीलिंग। क्योंकि एक इंसान क्या होता है, पहले वैल्यू नहीं होता, जब जाके प्रॉब्लम में फंस जाता है ना, तब वो सबसे ज्यादा प्यार जिनको करता है, सबसे ज्यादा प्यार, मालूम है मैं एक चीज नोटिस की हूँ, खुद प्यार करने से भी प्रॉब्लम में इंसान उनको ही ज्यादा याद करते हैं जो उनको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। मालूम है इंसान की जिंदगी तो गिव एंड टेक पे चलते हैं, देखना उनके ऊपर ही सबसे ज्यादा कोडिपेंडेंसी होता है, जो वो जिनको पसंद करते हैं उनका नहीं, जो उनको ज्यादा सबसे प्यार करते हैं वो एनर्जी में एक्चुअली वो है आपको लेके। द वर्ल्ड कार्ड, द वर्ल्ड कार्ड आना चाहते हैं आपकी तरफ, क्योंकि आप ही उनकी जिंदगी की वर्ल्ड हो। जो भी सिचुएशन है, जहां पे भी स्टक था, वहां से निकालना चाह रहे आज के दिन में, बहुत लॉजिकली सोच रहे, बहुत लॉजिकली सोच रहा है कि कैसे निकाल के जाओ, मगर थोड़ा सा धीरे एंड ऑल ऐसा करके इनकी मूवमेंट हो रहा है, बट वो एक्चुअली गोल तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। केयरिंग कनेक्शन, बहुत ज्यादा सेक्सुअली मेंटली स्पिरिचुअली ये कनेक्शन फील कर रहा है आपके साथ। थोड़ा सा सीक्रेसी अभी तक मेंटेन करने का आज भी है, थोड़ा सा सीक्रेसी मेंटेन करना एंड ऑल, बट अगेन आप उनके लिए ऐसे ही एक व्यक्ति हो, ठीक है। आपके साथ एक फैमिली का एहसास आता है उनको, एक्चुअली उनका फीलिंग होता है कि यही मेरी फैमिली है, यही मेरी मदरली एसेंस जो है इनसे ही मिलता है, तो मतलब मदरली फादरली जो भी हो, केयरिंग जो फीलिंग होता है वो आपसे मिलता है। दर्द में है वो, बार बार बोलूंगी यहाँ पे, थर्ड पार्टी सिचुएशन, ओवरऑल सिचुएशन, कार्मिक सिचुएशन में एक चीज बहुत सामने आ रहा है, बहुत दर्द, बहुत एक प्रॉब्लम में मुझे दिख रहा है इनको एनर्जी, जिसके लिए इनके अंदर एक आपको वैल्यू करना, आपके पास आना, ये एनर्जी देता रहा है वो, जो भी आना वो कहीं ना कहीं खुद को शेल्टर, खुद को हील करने वाला एनर्जी मुझे दिख रहा है। प्यार है तभी तो आपके पास आना चाहते हैं, मगर उससे भी इनको मालूम है कहीं ना कहीं आप उनको जितना केयर एंड शेल्टर दे सकते हो मेंटली एंड ऑल, वो कोई नहीं दे सकता। द थिंकिंग मैन, थिंकिंग मैन क्यों आया है आज के कार्ड में, नाइट ऑफ कप्स, वो आना चाहते हैं आगे, एकदम आना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, बट फिर भी थोड़ा सा एक्शन की कमी है, दुखी एनर्जी है उनको, कहीं ना कहीं लगता है कुछ नहीं हो सकता, कैसे होगा। बॉटम ऑफ द डेक टू ऑफ कप्स, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको बार बार एक रियूनियन वाला एनर्जी बहुत फील हो रहा है, उनका रियूनियन वाला एनर्जी जो है वो बहुत फील हो रहा है, समझ में आया। आज बहुत ज्यादा इल्यूशन में है आपको लेकर, क्यों इल्यूशन में है, उसका भी फिजिकल अट्रैक्शन हो रहा है, ये सब नहीं है, वो मेन मिसिंग फीलिंग है। आपके पास आके थोड़ा रोना चाहते हैं, आपके पास आके थोड़ा सा सिचुएशन को जैसे शांत होना चाहते हैं, जिसे बहुत तकलीफ सह चुके हैं वो, कहीं ना कहीं आज का फीलिंग इनका ये है, वो आए ना आए जो भी आए, मगर इनकी फीलिंग, आज की फीलिंग क्या है, कार्ड को क्या पूछा, करंट फीलिंग क्या है, तो इमीडिएट फीलिंग में वही है। आपके लिए काफी सोच, आज फुल डे में काफी सोच दिख रहा है, एक कुछ नहीं हो सकते वाला एनर्जी है, कैसे होगा, कुछ नहीं होगा, थर्ड पार्टी सिचुएशन या ऐसा कोई प्रॉब्लम, थर्ड पार्टी सिचुएशन तो कुछ भी हो सकता है, दिख रहा है जिस हर चीज में फंसा हुआ बंदा, मगर कहीं ना कहीं फ्रेश एयर सिर्फ आपको, इस टाइप की एनर्जी इमीडिएट एनर्जी में दिख रहा है आज की डेट में, इनके दिमाग में यही है, ठीक है। रियूनियन चाहते हैं एक्चुअली, उनको बहुत हो चुका है, मगर ये पर्सन थोड़ा सा फैमिली सोसाइटी ये सब में बहुत फंसा हुआ दिख रहा है, उस जगह से एक्शन लेने में डर है, मगर फिर भी एक मन ही मन रियलाइजेशन जो होता है ना, वो चीज मुझे दिख रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं बाबा की संदेश क्या है ये सिचुएशन में, आज का जो एनर्जी है इसमें बाबा की संदेश क्या है, जिससे कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग कभी आपके सामने आएगा या आपका ही रीडिंग होगा, ठीक है। कोई भी साइन के लिए हो सकता है, जब पूरा रीडिंग आप अच्छा से देखें तो कोई भी साइन की पर्सन इनके लिए, इनके साथ रेजोनेट करेंगे।
देखते हैं कि बाबा की संदेश क्या है। धुनी, अपनी चिंताएं, डर, गुस्सा, दर्द, ईर्ष्या और आपकी बीमारियों मेरे धुनी में चला दीजिए। उनका बाबा बोल रहे हैं टोटली सरेंडर कीजिए, जो भी दर्द है, जो भी प्रॉब्लम है आपका, हर चीज को टोटली सरेंडर कीजिए बाबा से। तो कहीं ना कहीं बाबा आपको पास में खड़े होकर हर प्रॉब्लम की हल करेंगे। ठीक है, आप ब्रह्मांड हो, अहम ब्रह्मास्मि, आपके भीतर ही ब्रह्मांड की तलाश कीजिए। बिल्कुल, आपके अंदर पूरा ब्रह्मांड की शक्ति है, उसको तलाश कीजिए। प्रॉपर इनर वर्क कीजिए, खुद को जानिए। ये जिंदगी का जर्नी है, खुद की जर्नी की जानिए। हर प्रॉब्लम को, आपके अंदर क्या प्रॉब्लम है, दूसरे के प्रॉब्लम मत ढूंढिए, आपके अंदर क्या है उसको रेक्टिफाई कीजिए। आपके अंदर का जो महाशक्ति है जिसको रेक्टिफाई कीजिए। जैसे हम लोग ज्ञान योग, कर्म योग, हट्ट योग, राज योग, जितना योग लेके हम लोग पढ़ते हैं, मालूम है श्री कृष्ण बोलते थे सबसे बड़ा योग बुद्धि योग है ना, उसके ऊपर काम करो। पता, ज्ञान योग का ही एक पोर्शन है, बट श्री कृष्ण ये बार बार बोलते थे, आप गीता पढ़ोगे तो पता चलेगा। सो एनी हाउ, जो बात है, आपके अंदर वो शक्ति है, आप उनको इनहेंस कीजिए, जगाइए, देखना आप क्या नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो ये था आज का रीडिंग। होप आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी कमेंट करना है कमेंट सेक्शन में, दिल खोल के कमेंट कीजिए। ये जो भी एनर्जी है, स्पेशल एनर्जी, एवरीडेज एनर्जी, मैं जब भी हीलिंग में बैठती हूँ, रेकी मादर से, डिवाइन से, सच्चे दिल से प्रे करती हूँ कि आप लोगों का जो विश है फुलफिल हो जाए। और सच में इतना सारा प्यार भरे मैसेजेस मिलता है आप लोगों का विश फुलफिलमेंट के बाद में, किसी का बीमारी, किसी का रिलेशनशिप, किसी का करियर, जो मतलब थैंकफुलनेस आप दिखाते हो। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। मेरे चैनल को प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को जरूर दबाइए, तो न्यू वीडियो की आप भी जाती तरह आते रहेंगे। थैंक यू। बहुत ही लंबा